एज द इयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे से मिलना कम हो गया या एक दूसरे के साथ वक्त बिताना, समय बिताना कम हो गया। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, क्योंकि कभी कभी वह हमें कुछ समय के लिए वह हमें सुबह जगाती थी और विद्यालय जाने के लिए तैयार हो जाने को कहती थी। When I came back, she would ask me, जब मैं वापस आता था वो मुझसे पूछती थी, What the teacher had taught me, अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया है। I would tell her English words, मैं उन्हें इंग्लिश के शब्दों को बताता, and little things of western science, और थोड़ी सी चीजें पाश्चात्य विज्ञान के विषय में बताता, एंड लर्निंग और शिक्षा के विषय में, एंड सा एंड द लॉ ग्रेविटी और गुरुत्वाकर्षण के नियम को, आर्किमिड्स आर्किमिड्स के सिद्धांत को, आर्किमिड्स प्रिंसिपल आर्किमिडीज के सिद्धांत को, द वर्ल्ड बीइंग राउंड ईटीसी, और इसी तरह से पूरे संसार के पृथ्वी के गोल होने आदि को बताता। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये उसे नाखुश कर देता था, उन्हें नाखुश कर देता था। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, वह मेरी मदद मेरे पाठ के साथ मेरी मदद नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश स्कूल में अंग्रेजी स्कूल में अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ाए जाने वाली चीजों पर विश्वास नहीं करती थी। एंड वाज डिस्ट्रेस, और वह परेशान थी, डैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि वहां ईश्वर के विषय में कुछ नहीं बताया जाता, एंड द स्क्रिप्चर्स और ग्रंथों के विषय में कुछ नहीं बताया जाता। वन डे आई अनाउंस, एक दिन मैंने घोषणा किया, डैट वी वेयर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, कि हमें एक दिन हमने बताया, एक दिन हमने घोषणा किया कि आज हमें जो है संगीत का पाठ पढ़ाया गया, संगीत बताया गया। शी वाज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत परेशान थी, टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, संगीत का व्यविचार, संगीत को वह व्यविचार से जोड़कर जो सोचती थी देखती थी, मतलब संगीत को बहुत निम्न श्रेणी का वो उसे समझती थी जो है। इट वाज मोनोपोली ऑफ हारलॉट एंड बेगर्स, यह चीजें जो है व्यास्याओं और भिखारियों के विषय का मानती थी, एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉल, और यह सज्जनों से इसका कोई वास्ता नहीं था, भद्र लोगों का यह वस्तु नहीं थी, ये वो समझती थी। She said nothing but her silence meant disapproval. उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चुप्पी का मतलब था, उनके चुप रहने का मतलब ये था कि वह इससे असहमत थी। She rarely talked to me after that. इसके विषय में उन्होंने मुझसे बहुत ही मुश्किल से या संभवतः कोई चीज को बताया या कुछ कहा।